मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेंथ क्लास के हिसाब से काफी बार क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स के भी आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस अगर हम बात करें तो क्रैमर्स रूल आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करेंगे। टेंथ क्लास के हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले आएगा डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं? डिटर्मिनेंट आपको या तो 2x2 के पढ़ने हैं या आपको डिटर्मिनेंट 3x3 के। अभी इनका मतलब समझा देता हूं, 2x2 और 3x3 का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम 2x2 की बात करते हैं। 2x2 की अगर आप बात करें तो आपको कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से मिले, जैसे ये तो सिंबल मिलेगा डिटर्मिनेंट का, डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे ए बी सी और डी, ऐसे चार नंबर्स आपको लिखे मिलेंगे। वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? इसको सोल्व करने का ये रहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में करते हैं। तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी को सी से, वी गेट आंसर, यहां से आपके पास आंसर आएगा। 2x2 को सोल्व करने का सिंपल सा मेथड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेल्टा लिया आपने 1, -2, 3 और 5, आप इसको सोल्व करना चाहते हो, ये सिंपल डिटरमिनेंट का है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसको इससे करोगे तो देखो 1 × 5 फिर माइनस 3 × -2, तो 1 × 5 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके 6 आएगा, तो आंसर आपके पास यहां पे क्या आएगा 11, यहां पे आपके पास आंसर 11 आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका समझाया है मैंने, कुछ नहीं करना आपने, ऐसा लिखा मिलेगा, ये साइन मिलेगा आपको, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में करते हैं। इसको बोला जाता है 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। 2x2 ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो देखोगे तो आपको दो रो नजर आ रही है, पहली रो या दूसरी रो, और दो कॉलम नजर आ रहे हैं, तो दो रो और दो कॉलम, इसलिए इसको 2x2 ऑर्डर बोला गया। इसको सोल्व करने का तरीका आपके आगे है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पहले मैं वो समझाता हूं। सबसे पहले हम 2x2 की बात करते हैं। 2x2 के लिए अब आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अब मैं इसको क्रैमर्स रूल में कैसे यूज करूंगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए एक मेथड आपके पास क्रैमर्स रूल भी आता है। अब देखो, सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं। जितना केवल आपको समझना है उतना ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा, कोई बच्चा ये भी अप्लाई कर सकता है लेकिन केवल कंपटीशन में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपको पता है कि आरएचएस जीरो नहीं मिलेगा। a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है मतलब c1 और c2 दोनों एक साथ जीरो नहीं मिलेंगे। आपने करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, आपने सबसे पहले फाइंड करना है d फाइंड करने का तरीका। d फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा? a1 a2 ये कोफिशिएंट्स लिख दो और फिर b1 b2 ये आपके पास d फाइंड होगा। इसके बाद आप एक फाइंड करोगे d1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको पहला कॉलम नजर आ रहा है a1 a2 जो पहला कॉलम है, इस a1 a2 को हटा के हम c1 c2 लिख देंगे। a1 a2 को हटा के हम क्या लिख देंगे? c1 c2 और ये एज इट इज रहेगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, d और d1 दोनों आ जाएंगे। एक आपने d2 और फाइंड करना है। d2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम को तो सेम रख लेंगे a1 a2 और जो दूसरा कॉलम है b1 b2 उस कॉलम को हटा के हम क्या रख देंगे? c1 c2। ये आपके पास d2 आ जाएगा। आप ध्यान से समझते चलो, आपने तीन डिटरमिनेंट्स फाइंड करने हैं। पहला डिटरमिनेंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स से आएगा a1 a2 b1 b2। दूसरा डिटरमिनेंट
वाले कॉलम को हटा के आरएचएस वाली टर्म्स रख दो C1 C2। D2 में क्या करोगे, दूसरे वाले कॉलम को हटा के आरएचएस वाली टर्म्स लिख दो। आपके पास तीन डिटरमिनेंट आ जाएंगे। तीन डिटरमिनेंट आने के बाद आप एक समझो, आपके पास इफ इफ डी इज नॉन जीरो, अगर तो डी नॉन जीरो है देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये डी की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो आंसर क्या आएगा, गिवन बाय, डायरेक्ट आप इससे आंसर लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी। अगर आप डी वन को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, अगर आप डी टू को डी से डिवाइड सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं अगर आप डी वन को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड कर दोगे सॉरी डी वन को डी से डिवाइड कर दोगे तो एक्स आएगा, डी टू को डी से डिवाइड कर दोगे तो वाई आएगा। ये आपके पास एक क्रेमर्स रूल भी होता है, ये 2x2 में, ऐसे 3x3 में भी मैं आपको समझाऊंगा। काफी बार क्या होता है कि आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन 3x3 के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में नजर आएंगे, जिसमें तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल मिलेंगे। इसमें तो दो ही वेरिएबल एक्स और वाई, आप तीन पे भी जाओगे एक्स वाई और जेड। तो पहले मैंने आपको दो का एक थोड़ा सा समझाया है क्रेमर्स रूल, कि दो के लिए क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। जिस जिस बच्चे को लाइव क्लास में एक बार क्रेमर्स रूल की डिटेल समझ आई प्लीज रेज योर हैंड, फिर अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ आया है तो अभी क्वेश्चंस में फिर समझ आएगा। अभी मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, और आपको ये लगता है कि थोड़ा सा कम समझ आया कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। देखिए किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, मैं फिर एक बार एक क्वेश्चन की हेल्प से फिर समझाता हूं। जितना आपके सिलेबस का पार्ट है और उतने ही मतलब जितना आप अप्लाई कर पाओ उतना ही समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे तो प्लस टू में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं आपके लिए, सॉल्व 2x - y = 17 और 3x + 5y = 6। 2x - y = 17 और 3x + 5y = 6 करना क्रेमर्स रूल से, क्रेमर्स रूल अप्लाई करके देखो। सबसे पहले हम d फाइंड करने की कोशिश करते हैं, d में 2 और 3 फिर -1 और 5, ये चार आपने टर्म्स लिखनी, ये चार नंबर आपने लिखने 2, 3, -1 और 5। अब करना कैसे होता है इसको सॉल्व करने के लिए, हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 × -1 वी गेट 13। आपके पास इसकी वैल्यू 13 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अगला नंबर फाइंड करेंगे D1। D1 फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया पहले वाली जो लाइन है कॉलम है उसको 17 और 6 से रिप्लेस कर दो, इसकी जगह 17 और 6 आ जाएगा, ये सेम रहेगा। पहले वाला जो कॉलम है D1 फाइंड करने के लिए पहले वाले कॉलम को हटा के ये लिख दो 17 और 6। अगर आप ये करते हो तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 17 इधर मल्टीप्लाई होगा -1 × 6 ये आपके पास आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे वी गेट 91, ये आप सॉल्व कर लेने, देखो नॉट इक्वल टू 0 आए थे ध्यान रखना तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो आपके पास ये 91 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम D2 फाइंड करेंगे। D2 के लिए पहला कॉलम चेंज नहीं करेंगे, पहला कॉलम तो सेम रहेगा 2 और 3, दूसरा कॉलम जो -1 और 5 है उसको हटा के हम क्या लिख देंगे 17 और 6। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 6 - 3 × 17, ये आपको अभी अभी समझाया है कि सॉल्व कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो वी गेट -39, D2 की वैल्यू -39 आई है, D1 की वैल्यू 91 आई है और D की वैल्यू 13 आई है। अब बाय क्रेमर्स रूल, अगर आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करें, अगर आप क्रेमर्स रूल लगाते हैं तो बाय क्रेमर्स रूल आपने ये पढ़ा
कि x की वैल्यू d1 बाई डी और y की वैल्यू d2 बाई डी आती है। अगर आप क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू d1 बाई डी और y की वैल्यू d2 बाई डी। अब d1 बाई डी मतलब 91 बाई 13 और d2 बाई डी मतलब -13 9 बाई 13। अगर आप इसको सॉल्व करो तो वी गेट 7 और इसको सॉल्व करो तो वी गेट -3। तो 7, -3 एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू -3। ये क्रेमर्स रूल और है, आप वापिस अप्लाई करके देख, इसमें रख के देख लो, ये सेटिस्फाई करेंगे। एक अलग से रूल आता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रेमर्स रूल भी आप अपने दिमाग में रखो ताकि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में आए तो बड़े आसानी से आप सोल्व कर पाओ। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए हम इतना काम क्यों करें। ये तो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप तीन पे जा पाओ, एक्स वाई और जेड, हम अभी तीन वेरिएबल पे जाएंगे। तो बताओ क्रेमर्स रूल टू इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए, जिस जिस बच्चे को समझ आया लाइव क्लास में प्लीज रेज योर हैंड। टू इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए जिस जिस बच्चे को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। दो इक्वेशन दो वेरिएबल की बात है ये, केवल दो इक्वेशन दो वेरिएबल के लिए हमने बात की है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे हम थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल की बात करेंगे। ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए आप नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि काफी बार जो क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे मिल सकते हैं, मैं कंडीशन लिख देता हूं, केवल आप कंडीशन याद रखना। आपने जो डी फाइंड किया था अगर वो डी जीरो आ जाए, अभी हमने लिखा कि डी नॉन जीरो आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर डी नॉन जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन अगर डी जीरो आ जाए, अगर डी जीरो आ जाए एंड, अभी कंडीशंस को जरूर याद रखना, अगर डी जीरो आ जाए एंड वन अमंग डी वन एंड डी टू, डी तो जीरो आ जाए लेकिन D1 और D2 में से कोई भी एक वैल्यू इज नॉन जीरो, अगर D तो जीरो आ जाए लेकिन वन अमंग D1 एंड D2 इज नॉन जीरो, D1 और D2 में से एक नॉन जीरो आ जाए और D जीरो आ जाए, तो ऐसे केस में आपने ये लिखना है देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशंस आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सॉल्यूशन का केस होगा, ऐसे में आपके पास नो सॉल्यूशन का केस होगा, दैट इज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हो सकता है डी तो जीरो आ जाए और डी वन और डी टू आपके पास कोई एक वैल्यू, डी1 और डी2 में से कोई एक वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, वन अमंग डी1 एंड डी2 इज नॉन जीरो। अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आप डायरेक्ट लिखोगे द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये तो मैंने आपको केवल कंडीशंस समझाई है, हम तो तीन बाय तीन वेरिएबल की बात करेंगे। अब तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल मेन मैंने इसीलिए आपको समझाया है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल के तो आपको बहुत से मेथड्स बता रखे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो केस है, इफ डी जीरो हो, डी तो जीरो हो एंड डी वन और डी टू दोनों सोल्व करने पे ये भी जीरो आ जाए, डी भी जीरो आ जाए, डी वन और डी टू भी जीरो आ जाए, अगर तीनों जीरो आ जाए तो आप लिखोगे देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, then the system has infinite many solutions। ऐसे केस में सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। आपने कंडीशन जरूर याद रखनी है, पहली कंडीशन थी अगर d नॉन जीरो हो, तो मैंने थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल से भी समझाया है, अगर d नॉन जीरो हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और लिखोगे कैसे, d1 बाई डी एक्स देगा, d2 बाई डी वाई देगा। लेकिन अगर हो सकता है ये d जीरो आ जाए, अगर ये डी जीरो आ गया और d1 और d2 में से अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये तीनों जीरो आ गए, इनकंसिस्टेंट का मतलब तो नो सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर ये तीनों जीरो आ गए तो आप इतना लिख दोगे द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये तो 2x2 की मैंने आपको कंडीशन समझाने की कोशिश की, कोई बच्चा इससे भी प्रैक्टिस कर सकता है अपने क्वेश्चंस को जो आपने उससे किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किए हैं, सब्स्टिट्यूशन से किए हैं, एलिमिनेशन से किए हैं, वो आप क्रेमर्स रूल से एक बार अप्लाई करके देखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब 3x3 कि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल अगर दे दें, जिसके लिए मैं मेथड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीन इक्वेशन
तीन वेरिएबल की अगर बात कर दे तो कैसे सोल्व की जाती है, थ्री बाई थ्री, पहले तो मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूं, थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट की बात करेंगे फिर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट, थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होता है, देखिए जैसे आपके पास ये आ गया डेल्टा, अब इसमें तीन आपको ऐसे मिलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर मान लीजिए तीन बाई तीन का कोई डिटरमिनेंट सोल्व करना आ जाए, जैसे दो बाई दो के में क्या था, ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरह से। तीन बाई तीन को आप ध्यान से समझ रहे हैं, एक एग्जांपल से भी फिर मैं समझाऊंगा इसको सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले ये तीनों एज इट इज लिख लो, ए डी जी, फिर दूसरा बी ई एच, फिर तीसरा सी एफ आई, तीनों आपने लिख लिए, फिर पहला वाला रिपीट कर दो ए डी जी, फिर दूसरे वाला रिपीट कर दो बी ई एच, ऐसे आपने पांच वर्टिकल लाइन बना लेनी है, पहले तीनों एज इट इज, फिर पहले वाला रिपीट, फिर दूसरे वाला रिपीट, तो ऐसे करके आपके पास पांच लाइन आएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कॉर्नर से शुरू करना है, ऐसे करोगे एक लाइन आपको मिलेगी, फिर इससे आ जाओगे ये दूसरी लाइन आपको मिल जाएगी, फिर इस पे आ जाओगे तीसरी, तीन लाइन आपको मिलेंगी, तीन लाइन के बाद आप देखोगे कि यहां खत्म हो गया, तो इससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इस वाले कॉर्नर से डायगोनली शुरू करोगे तो तीन लाइन आपको मिलती हुई चली जाएंगी, उसके बाद आप इस वाले डायगोनल से शुरू करोगे, इस वाले पॉइंट से, मैं डॉटेड दिखा रहा हूं पहला, दूसरा डॉटेड दिखा रहा हूं, तीसरा डॉटेड दिखा रहा हूं, ये तीन डॉटेड ऐसे हैं आपके पास, ऐसे भी तीन ही लाइन आएंगी, इधर से भी तीन आएंगी, इधर से भी तीन आएंगी। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जो पहले मैंने ब्लू कलर से लाइन दिखाई थी उनको देखो, तीन तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू आई ई इंटू आई प्लस, फिर अगली लाइन पे आ जाओ बी इंटू एफ इंटू जी, फिर प्लस, ऐसे आपको तीन नजर आएंगे B इंटू एफ इंटू जी, फिर प्लस, फिर आपको फिर नजर आएंगे तीन और C D और H, C इंटू डी इंटू एच, ये तीन आपने एक ब्रैकेट में लिख लेने मल्टीप्लाई कर करके, बीच में प्लस, फिर माइनस लगा के आपके पास एक ये जो डॉटेड वाली लाइन थी इनको लिख लो G E C, फिर प्लस, बाहर माइनस है ध्यान रखना, फिर H F A, फिर प्लस I D और B, ये जो भी आंसर आएगा वी गेट आंसर, यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इस डिटरमिनेंट का आंसर होगा, ये जो भी वैल्यू देगा वो आपका इस डिटरमिनेंट का आंसर होगा, लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा तीन बाई तीन के लिए, मेन काम इसी के लिए है। देखो एनटीएससी के पेपर में काफी बार लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, अब थ्री वेरिएबल्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्रैमर्स रूल, अब क्रैमर्स रूल के लिए आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट के लिए हमने पहले तीन एज इट इज, फिर दो लिख लिए, पांच हमने बनाए, फिर तीन लाइन ऐसे बनेंगी और तीन ऐसे बनेंगी, पहले जो तीन लाइन बनाई थी उनको प्लस कर लो, फिर माइनस जो दूसरी तीन लाइन बनाई थी उनको प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी आपके पास आंसर आएगा। देखो एक एग्जाम्पल में मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल हम सोल्व करके चलते हैं, इसी डिटरमिनेंट में मैं कोई वैल्यू लेके चलता हूं, फिर आपको और क्लियर होगा कि कैसे सोल्व होता है। देखिए मान लीजिए जो आपका मन करे वो वैल्यू मैंने उठा ली, जो आपका मन किया वैसी वैल्यूज मैं लेता हूं, जैसे 563 के बाद मैंने लिया माइनस 7 माइनस 8 और आपके पास आया 2 और 1 माइनस 1 और माइनस 6, मैं ये वैल्यूज लेके चलता हूं, मैं कहता हूं इसको सोल्व करके दिखाइए, इस डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पांच पांच कॉलम्स में बनाऊंगा, 5 6 3 माइनस 7 माइनस 8 2 फिर 1 माइनस 6, फिर हमने क्या किया पहले वाला रिपीट किया 5 6 3, फिर दूसरे वाला रिपीट किया माइनस 7 माइनस 8 2, हमने इसको रिपीट कर दिया यहां पे, फिर अब मैं इधर से शुरू करता हूं, ऐसे लाइन बनाता चलूंगा, पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, आपको तीन ही लाइन नजर आएंगी, देखना तीन के बाद वहां खत्म हो जाएगा। अब आप इस वाले से शुरू करते हो, पहली लाइन
ये आपके पास दूसरी लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास तीसरी लाइन नजर आ रही है, ऐसे आपके पास तीन लाइन नजर आएंगी। अब करना कैसे है इसको सोल्व करने का तरीका, ये जो भी डेल्टा आपने लिखा हुआ था, पहले जो ब्लैक कलर की लाइंस है उनको देखता हूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 -8 -6, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, -7 -1 3, फिर प्लस 1 6 2, फिर माइनस, दूसरे को अब आप मल्टीप्लाई करते हो जो कि आपको रेड कलर से लाइन दिखाई दे रही है, 3 -8 1, फिर प्लस, बार माइनस लगा रखा है ध्यान रखना, 2 -1 5, फिर प्लस, तीसरा जो है, तीसरी जो वैल्यू आपके पास -6 6 और -7 की मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। जब आप पहले वाले को सोल्व करने लगते हो सकता है आपको यही ना पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है एनटीएससी के हिसाब से, सीबीएसई से बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है ध्यान रखना। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हो 48, या इसको इसको करते हो 40 40 और 6 240, फिर अगले पे आ जाओ इसको और इसको करो प्लस का 21, फिर अगले पे आ जाओ इसको करो प्लस का 12, माइनस इस पे आ जाओ ये कितना है माइनस का 24, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस का 10, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया प्लस का, ये आएगा 36 और 7 की मल्टीप्लीकेशन 252, ये आपके पास आ जाएगा 252। अब देखो ऊपर वाले को अगर आपने सोल्व किया 240 में 21 और 12 इनको ऐड किया तो 2 और 1 3, फिर 1 और 2 3 और 7, 273 माइनस, इस पे आ जाते हैं 24 और 10 34, 252 में से अगर आप 34 घटाते हैं तो 8 अगर आप सोल्व करेंगे तो, और 1 और 2, 218 218 आपके पास वैल्यू आई। अगर आप इसमें से इसको सोल्व करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आएगा 55, तो इसका आंसर 55 आएगा। तो हो सकता है आपके आगे कई क्वेश्चन में ये ना नजर आ जाए कि खाली एनटीएससी में इतना ही पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू को सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन समझाई गई है, तो इसका आंसर आपके पास 55 आता है। तो ये आपके पास 55 कैसे आया, ये डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी समझाया। जिस जिस बच्चे को लाइव क्लास में ये तरीका समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत और समझ आएगा खुद से। वेरी गुड, बाकी आप थोड़ा बहुत, अब मैं तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल पे बढ़ता हूं कि उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मेथड क्यों जरूरी है। थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, देखो उसी के लिए मैंने इतना कुछ समझाने की कोशिश की। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, जैसे अभी तक आपके सिलेबस में दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, अगर एनटीएससी के पेपर में थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल आ जाए तो कैसे करना होता है वो ध्यान देना। पहले मैं आपके पास ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x + b1y + c1z = d1, फिर a2x + b2y + c2z = d2, फिर a3x + b3y + c3z = d3। एक बच्चे ने मेरे को याद नहीं किसने, एक बच्चे ने मेरे पास डाउट भी भेजा था थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल का, तो मैंने उसको यही जवाब दिया था कि अभी थोड़े दिन वेट करो, मैं लास्ट में क्रैमर्स रूल समझाऊंगा, क्रैमर्स रूल समझाने के बाद आपको समझ आएगा कि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स पे कैसे कंडीशन लगा सकते हैं। तो आज अभी जो मैं समझा रहा हूं वह बिल्कुल ध्यान से समझना कि अब इसमें इसमें हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए वही तरीका है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, जैसे 2 by 2 का था ऐसे 3 by 3 का है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम d1 फाइंड करेंगे। d1 फाइंड करने के लिए अब आप समझ गए होंगे, पहले वाले कॉलम को हटा के, पहले वाले कॉलम को हटा के लिख दो d1 d2 और d3, पहले वाले कॉलम को हटा के d1 d2 और d3 लिख दो, बाकी दोनों सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी समझाया, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना आपके लिए आसान होगा। d2 जब आप फाइंड करो, जब आप d2 फाइंड करना है तो दूसरे वाले कॉलम को हटा दो,
और इससे रिप्लेस कर दो, और पहले वाले कॉलम को एज इट इज रखो और लास्ट वाले कॉलम को भी एज इट इज रखो। ऐसे जब आप D3 की बात करेंगे तो D3 में क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉलम को चेंज कर दो और पहले दोनों को एज इट इज रख लो। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे 2x2 में कर रहे थे ऐसे 3x3 में, वहां पे 3 डिटरमिनेंट आते थे, यहां पे 4 डिटरमिनेंट आ गए। अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इफ डी इज नॉन जीरो, जो वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी डी की आई थी, अगर वो डी नॉन जीरो है, अगर डी नॉन जीरो है देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय। आएगा कैसे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम D1 को D से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम D2 को D से डिवाइड कर देंगे, और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए D3 को D से डिवाइड कर देंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए D1 को D से डिवाइड करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए D1 को D से डिवाइड करेंगे, और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए D1 को D से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये कब, जब D नॉन जीरो है, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इसी के साथ मैं दो कंडीशंस और लिख देता हूं, जैसे अभी 2x2 में लिखी थी वैसे 3x3 में, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाते हैं। इफ हो सकता है आपके पास D जीरो आ जाए एंड एटलीस्ट वन अमंग D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, डी तो जीरो आ जाए लेकिन इन तीनों में से एक वैल्यू आपके पास अगर नॉन जीरो आ जाए देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, सिस्टम का पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। ऐसे केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इसी में ये केस आ जाए कि डी भी जीरो, D1 D2 D3 अगर ये चारों आपको जीरो नजर आ जाए, इसका मतलब आप ये लिख दोगे द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस हो सकता है। अब देखिए ये तो कंडीशंस वैसी हैं जैसे 2x2 में थी, वैसे 3x3 में भी हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करके देता हूं इसका, फिर आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा कि 3x3 के क्वेश्चन सोल्व करके देखिए कि आप क्या क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं 3x3 के यूनिक सॉल्यूशन के ही। मैं आपको दूंगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके आगे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को और समझना। सॉल्व 5x-7y+z=11 पहली इक्वेशन, 6x-8y-z=15 थर्ड इक्वेशन, 3x+2y-6z 3x+2y-6z=7। आपके पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल का इक्वेशन है। देखो फटाफट, इसमें सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए आपके पास क्या आएगा, 5, 6, 3, -7, -8, 2, 1, -1, -6। मैंने अभी अभी सोल्व किया था सेम 55, इसीलिए मैंने सेम उठाया था कि ताकि आपको समझ आए कि अभी अभी सोल्व करके दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, D1 में मैंने आपको अभी समझाया। अब देखो यहीं से क्लियर हो गया, यहीं से आपको ये पता लग गया नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कंप्लीट करना हो सकता है NTSC में केवल इतना दे दे कि बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अब मान लो इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन हो, तो केवल आपको एक ही डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि अगर ये नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। D1 फाइंड करने के लिए पहला कॉलम हमने चेंज किया 11, 15 और 7 से, फिर ये एज इट इज, बाकी के दोनों एज इट इज। आप इसको सोल्व कर लेना, मैं आपको इसको लिख के दे रहा हूं, ये वैल्यू भी 55 आएगी। जब आप D2 फाइंड करोगे, D2 जब आप फाइंड करोगे तो आपने केवल दूसरा कॉलम चेंज करना है। पहला कॉलम आपका एज इट इज रहेगा 5, 6, 3, लास्ट भी एज इट इज रहेगा।
केवल दूसरा चेंज करना है, और दूसरा चेंज करके आएगा 11, 15 और 7। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो -55 आएगा, कर लेना ये भी, जैसे अभी समझाया है, ठीक है। ऐसे जब आप D3 फाइंड करोगे, D3 जब आप फाइंड करने लगोगे तो आप तीसरा जो कॉलम है उसको चेंज करके RHS में जो नजर आ रहा है वो लिख दोगे, और बाकी के दोनों एज इट इज। जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो वी गेट -55। अब देखो कितना आसान है, बस इनको सोल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है। इसके बाद जब x फाइंड किया तो d1 बाई d 55 बाई 55 वन, x की वैल्यू 1 है। जब आपने y फाइंड किया तो d2 बाई d -55 बाई 55, ये भी आपके पास -1, इसका आंसर आपके पास -1 आएगा। जब आप z फाइंड करोगे तो d3 बाई d -55 बाई 55, इसका वैल्यू भी -1। तो कई बार तो कंडीशन ही पूछ ली जाती हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, बाय चांस अगर आ जाए तो आप इतना याद रखना है, जो पहले वाला d है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। कैसे फाइंड होता है मैंने आपके क्वेश्चन में समझाया है, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं असाइनमेंट के रूप में आपको भेजूंगा 3 equation 3 variables के, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है CBSE से, लेकिन NTSC में पूछे जाते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।